Assalamualaikum ladies and gentlemen, आपकी होस्ट शिवा गिल हमेशा प्रोग्राम स्टार्स ऑफ एलसीसीआई के साथ मौजूद होती हूँ. जैसा कि आपको आइडिया है कि हमारे पास अभी जो हम मेहमान मधु करते हैं उनमें हमारे पास एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं एलसीसीआई के, और उन्होंने अपनी डिफरेंट डिस्टिंक्शंस पे काम किया होता है, बिजनेस कम्युनिटी को डिफरेंट फोरम्स पे सर्व किया होता है. और आज भी जो हमारे मेहमान मौजूद हैं वो इसी मेंबर हैं एलसीसीआई के, और साथ कमेटी जो है वो यूरोपियन यूनियन की वो रन कर रहे हैं और उसी के कन्वेनर भी हैं. उसके साथ साथ जी उनका पर्सनल बिजनेस है मरियम मनाहल फैशन के नाम से, जो कि होलसेल है, और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स भी देख रहे हैं. सो उनका एक बेस्ट एक्सपीरियंस है एक ऐसी प्रोडक्ट के साथ जो कि डे टू डे रूटीन में हर किसी की ज़रूरत है और हर किसी की प्रोडक्ट है जो कि directly linked head to the client. So not taking much of your time, we'll be introducing you to our guest for today, that is none other than Muhammad Arshad Khan. Assalamu alaikum sir. Waalaikum assalam. Welcome on the show sir. Thank you. बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, और जैसा कि मैं आपके तारुफ में भी बता रही थी कि आपकी जो product है वो directly linked है client के साथ somehow, wholesale है but still एक ऐसा बिजनेस है जो कि डायरेक्टली एक नेसेसिटी है हर क्लाइंट की, हर आम आदमी की. तो ओवरऑल हालात और क्या सिनेरियो चल रहा है मार्केट का अभी इस वक्त? सिनेरियो तो आजकल काफी मतलब डाउन है जी, एज कंपेयर टू, क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट आई है इसका फोकस तो यही है कि जी एक्सपोर्ट पे भरपूर तवज्जो दी जाए, मगर अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारा आजकल डे बाय डे डॉलर जो है वो भी खैर इंक्रीज कर रहा है, मगर एक्सपोर्ट वालों को तो इसमें फायदा है जी, ये तो अंडरस्टूड है, मगर ये है कि हम तो खुश होंगे बिकॉज आपके तो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है, तो आपके लिए तो ये बड़ी आजकल विन विन डेज जा रहे हैं ओवरऑल कम्युनिटी का, मगर जा रहे हैं, मगर उसमें दूसरी जो हमें जो है जो चीज सबसे वो है कि यूटिलिटी बिल्स ये इतने ज्यादा हाई है और टैक्सेस इतने ज्यादा है कि उस वजह से हम कम्पीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि एज कम्पेयर टू बांग्लादेश हमसे काफ़ी चीप है, इंडिया बहुत चीप है, इसलिए एक्सपोर्ट पे बहुत इफेक्ट पड़ा हुआ है. और मतलब जो हमारी जो करंट एक्सपोर्ट है वो तो 18 बिलियन डॉलर रह गई है और जो हमारी इम्पोर्ट है वो 52 बिलियन डॉलर है, और हर बंदा जो है ना उस पर वो कर रहा है, तो होना ही ओपोजिट चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी को तो तब फायदा होगा कि जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट का तो कोई नहीं होगा कि हम प्रोडक्ट वगैरह दूसरे मुल्कों की बेचें, तो होना तो यही चाहिए. तो लिहाजा इस पे जो है अभी बहुत गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें रिलीफ दे, न्यू जो है इंडस्ट्रीज लगें, उनके ऊपर टैक्सेस ना हो, जैसे चाइना ने तरक्की की है, हालांकि हमारा 1947 में आज़ाद हुआ कंट्री, चाइना 48 में हुआ, मगर उन्होंने अपने जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको उनको रिलीफ दिया, मगर अनफॉर्चुनेटली जो हमारी गवर्नमेंट जितनी भी आई हैं उन्होंने जो ताजर जो एक बैक बोन की हैसियत रखते हैं, जो सारे टैक्सीज पे सारे ब्यूरोक्रेट्स और जारी सारी मतलब गवर्नमेंट चलती है, उन्हीं को रिलीफ नहीं मिल रहा. तो अगर तो मैं तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर एक्सपोर्ट पे आप कह रहे हैं तो तभी एक्सपोर्ट बढ़ेगी कि आप हमें ताजर कम्युनिटी को रिलीफ दें. सर बेसिकली कौन से ऐसे सिचुएशंस या सिनेरियोस हैं जिनको आप देख के यू फील के हम बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं या जा सकते हैं? बिकॉज ओवरऑल जो सिनेरियो है उसमें बेसिक नेसेसिटीज इतनी हायर हो गई हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ही नहीं पूरा हो रहा ना. बिल्कुल. सो कूप अप करने के क्या तरीके हैं, किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं सिचुएशन को? मेन तो यही है, जब गवर्नमेंट हमें रिलीफ देगी और टैक्सेस नहीं करेगी, यूटिलिटी बिल्स बिजली वगैरह की कम नहीं करेगी जी, तो तब ही हम कम्पीट कर सकते हैं, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो गया. सर गवर्नमेंट तो कह रही है जी हम खुद क्रंच में हैं, तो उस सूरत में लाइहा अमल क्या निकलता है? लाइहा अमल तो यही है, एक तो चीज है कि गवर्नमेंट ने अपने ओवरहेड्स जो एक्सपेंडिचर्स है वो तो खैर कम किए हैं, मगर जो इतना टाइम 8-9 माह जाया हो गया और उससे पहले IMF के पास नहीं गए ये लोग, इन्होंने तो कोशिश की है कि जी हम वैसे ही सरवाइव कर लेंगे, मगर बड़ा मुश्किल हो गया. और अभी भी जो इन्होंने एग्रीमेंट वगैरह IMF के साथ किए हैं
वो इतना सक्सेसफुल मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि उन्होंने ये $6 बिलियन जो देना है वो 39 मंथ्स में देना है जी। तो उसमें अगर देखा जाए तो इनका जो मार्कअप वगैरह वो ही चला जाता है, तो सर्वाइवल जो है ना बड़ा मुश्किल है। तो इस वजह से गवर्नमेंट को तो यही है, फिर जो प्रोडक्ट है हम जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं वो बनाने मंगवानी छोड़ दें और इंडस्ट्री अपनी इंडस्ट्री पर तवज्जो दें। जैसे ईरान पे काफ़ी सेंक्शंस लगाई थी अमेरिका ने, तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट पे वो किया, टर्की ने इसी तरह किया, तो हमें तो इसी तरह मजीद। सर IMF पे तो मैं थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करना चाहूंगी, बट उससे पहले आई जस्ट वांट टू आस्क कि ये जो आप बता रहे हैं कि अगर हम पाबंदी लगा दें इंपोर्ट करने वाली चीजों पे, जैसे अनफॉर्चुनेटली हम कप ग्लासेस और घर के बर्तन जो है वो भी चाइना बेस्ड यूज कर रहे हैं, हालांकि हमारे पास अपनी सारी प्रोडक्ट मौजूद है, तो इस सिनेरियो में क्या गवर्नमेंट कोई ऐसे इनिशिएटिव्स ले सकती है कि वो एटलीस्ट इंपोर्ट नेसेसरी थिंग्स को निकाल के बाकी बंद कर दे फॉर टाइम बीइंग? हाँ, कर सकती है। आप देखें 75-77 में देखें, ये जैसे आपने कहा है कि जी ये कप्स हुए, प्लेट्स हुए, ये लाला मूसा, वजीराबाद, सियालकोट की चीजें बनती थी, हर घर में एक इंडस्ट्री लगी हुई थी, और पहले गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत अच्छी थी, रिलीफ देंगे जब आप बिजनेस कम्युनिटी को तंग नहीं ना करेंगे तब ये चीज इंसेंटिव लेगी, तो फिर हर बंदे को, अभी तो गवर्नमेंट ने हर बंदे को डराया हुआ है ये लगेंगे, क्योंकि हम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, मैं इसी मेंबर हूँ, लाहौर चैम्बर में तो वही आता है जो टैक्स पेयर होता है, मगर गवर्नमेंट को तो यही चाहिए कि हम लोगों को तंग ना करें, मजीद टैक्स पेयर्स को बढ़ाए, जब टैक्स बढ़ेंगे तो तब वो होगा, मगर उसमें इनकम टैक्स में लेकर आए, क्योंकि बहुत जो एक गवर्नमेंट ने एक जो शुरू कर दिया फाइलर नॉन फाइलर, ये भी एक जो एक वो कर दिया होगा, कन्फ्यूजन है, ये चीज को खत्म करना चाहिए। यहाँ तो इनको ये चीज करनी चाहिए, यूटिलिटी बिल्स जो है उसके ऊपर देखें कि उनकी कितना वो है, उनको भी लेकर आए। वैसे तो NIC पे जो भी हैं वो सारे मतलब जो हैं वो लोग वो जो टैक्स पेयर में आते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो वही उनका नेशनल टैक्स नंबर बन जाता है, जी, जी, तो जी। इस वजह से ये थोड़ी सी हमारी गवर्नमेंट की भी निगलिजेंस है, FBR की भी है, कि बहुत लोग हैं जो टैक्स नहीं देते और उनको टैक्स में लाना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद अर्शद खान साहब हमारे आज के मेहमान हमारे साथ मौजूद है, और बड़ी इंटरेस्टिंग सी गुफ्तगू चल रही है और बड़े सीरियस मौजूदात हैं जिनको हमें एब्सोल्युटली फोकस करने की जरूरत है, सो हम समझ सकें कि एक्चुअली हमने इस सिचुएशन को कुपअप किस तरह से करना है, कैसे ओवरकम करेंगे और किस तरह से हम पाकिस्तान को सस्टेनेबिलिटी पे दोबारा से लेके जा सकते हैं। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर फॉर LCCI मोहम्मद अर्शद खान साहब हमारे आज के मेहमान हैं, उनसे बात चल रही थी थोड़ी सी कि करंट सिनेरियोज जो हैं वो क्या चल रहे हैं। सर ब्रेक पे जाने से पहले एक हल्की सी आपने बात की कि IMF से जो कर्जा लेने में भी टाइम लगा दिया, 7-8 महीने लगा दिए एंड ऑल दिस, और इवेंचुअली ले भी लिए, अप्रूव करवा लिए, सो ये क्या सिचुएशन है? आई मीन एज अ बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव आप इसको किस तरह से देखते हैं कि इकोनॉमी पे इसके क्या इफेक्ट्स हैं? हाँ जी, इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि हमारी जो करेंसी वो तो डिवेल्यूएशन हो ही गई है, बहुत हुई है जी। और बहुत हुई है, और थोड़ा सा मैं अपने लोगों को कहूंगा एज ए नेशन कि ये जो डॉलर मार्केट में गायब हो गया और वो ये जखीरा अंदोजी हो गई और जो इतना होल्ड कर लिया लोगों ने, ये कम अज कम ये ना हो, क्योंकि हम ये मुल्क है तो हम है, हम एज ए बींग पाकिस्तानी हमें ये चाहिए, ये नहीं चीज होनी चाहिए कि नहीं अब ये डॉलर जो है आप शूट करेगा और इस तरह ये होगा। अब आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से कि ये जो मार्केट से गायब हो गया डॉलर और इसकी सर्कुलेशन नहीं है, उस वजह से ये नहीं, और गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी कुछ स्टेप लेना चाहिए, जैसे मियां नवाज शरीफ ने, यहाँ तो फिर जब एटमी धमाके किए थे उसमें सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए थे, तो यहाँ तो फिर ये चीज होनी चाहिए, लाखों करोड़ों डॉलर्स जो लोगों ने अपने लॉकर्स में रख ली हैं, तो ये चीज का मतलब फ्रीज करें, एटलीस्ट सर्कुलेशन होगी तो शायद हम थोड़ा सा स्टेबल करते रहे, अदरवाइज तो अनफॉर्चुनेटली इस तरह के हदशात भी सुनने को मिल रहे हैं कि शायद अभी इन्फ्लेशन और बढ़ेगी और अभी प्राइसेस और हाई होंगी, हम इस सिचुएशन को नहीं हैंडल कर पा रहे, तो इससे हायर की अफोर्डेबिलिटी समझ नहीं आती, एक नॉर्मल डे टू डे इंसान की लाइफ बहुत इफेक्ट हुई है, सो
IMF से सर अगर एट द डे एंड कर्जा ले रहे हैं कुछ शराय तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल हो गए हैं तो उसके क्या असरात होंगे या ये वही असरात हैं जो हम सफर कर रहे हैं जो सफर कर रहे हैं नहीं ये अभी तो कोई नहीं है तो देखें अब इनकी पॉलिसीज जो है वो नहीं है अब देखें इन्होंने फिनांस मिनिस्टर अपना चेंज कर दिया आई डोंट थिंक सो कि मुझे तो कोई लगता नहीं कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं है बिल्कुल और सर तो, जो IMF के वर्किंग लोग हैं उनको लाके आपने स्टेट बैंक पे लगा दिया और आपने कह दिया कि ये इंडिपेंडेंटली काम करेंगे डॉलर की इन्फ्लेशन और इससे आपका कोई लेना देना नहीं तो सर ये आपको लग रहा है कि ये कोई बड़ी डिफरेंट स्ट्रेटेजी होने वाली है हाँ बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं क्योंकि नहीं चाहिए और मेरे हिसाब से प्राइम मिनिस्टर साहब को तो चाहिए था कि FBR में से बंदे लेते बड़े इंटेलेक्चुअल लोग अवेलेबल आइडिया है और किस तरह इन्होंने अपना टारगेट अचीव करना है और इनको चाहिए थे यहीं से बंदे लेते यहाँ से बाहर से लाने के लिए जरूरी नहीं था और जैसे असद उमर साहब चल रहे थे फिर उनको चलने देते तो अब तो ये है कि अल्लाह मियां कोई इस मुल्क की गैब से कोई मदद करे कोई हमें कोई बाहर की कोई जैसे सऊदीया ने दिया कोई वैसे हमें कोई इतना कोई पैसे विदाउट इंटरेस्ट को कोई दे तब हमारा मुल्क जो स्टेबल करेगा इकोनॉमी में तब मतलब उसमें आएगा क्या चांसेस हैं कि जो हमारे नेबरहुड के जितने कंट्रीज हैं जितने हमारे मुस्लिम ममालिक हैं उनमें से कोई इस तरह का हम बिजनेस प्रपोजल दे सके या फिर उनके इंटरेस्ट के लिए कोई जॉइंट वेंचर कर सकें सो हम एटलीस्ट इस सिचुएशन से तो निकलने का रास्ता कोई देखें हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं कुवैत हुआ या कतर हुआ जी इनके साथ अगर कोई हो कोई जॉइंट वेंचर हो जाए और इनके साथ कोई मतलब हो जाए तो वो हमारी हेल्प कर सकते हैं कैसे बिजनेस प्लान्स डिस्कस किए जा सकते हैं कोई के साथ या कतर के साथ सो हम थोड़ा बेहतर सिचुएशन की तरफ मूव करना शुरू करें हाँ ये भी हो सकता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में करवाई जाए मैक्सिमम जो है वो करवाई जाए तो फिर इसमें जो है अनएम्प्लॉयमेंट वो भी खत्म हो जाएगी रोजगार के मौके भी वो भी निकलेंगे क्योंकि अब तो यही हो गया कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट में वो हैं इन्होंने इवन कि जिन्होंने आईटी वगैरह भी की हुई बेचारे उनको बैठे हुए हैं और जो इलिटरेट लोग हैं और इसमें ऐसा मतलब आया है जो प्रॉपर्टी में आया जो इलिटरेट पीपल है उनके पास पैसा आ गया दो तबकात शुरू हो गए हैं एक हाई और एक बिल्कुल लोएस्ट जो है उनके जो मिडिल क्लास है वो वैसे ही पिस गया बिल्कुल ऐसे तो ये चीज है तो यही हो सकता है कि कतर के साथ या कुवैत के साथ करें उनकी इन्वेस्टमेंट वगैरह यहाँ पे पाकिस्तान में ला के इंडस्ट्री लगाई जाए तो यहाँ पे फिर ज्यादा मौके निकल सकते हैं यही एक सूरत बन सकती है इंशाल्लाह वी डू होप दैट थिंग्स गो बेटर फॉर अस और पाकिस्तान जो है जितनी जल्दी हो इस इकोनॉमिकल क्राइसिस से निकल सके सर एक्सपोर्ट्स को आप देख रहे हैं तो एक्सपोर्ट्स है अनफॉर्चुनेटली करंट सिनेरियो के मुताबिक तो एक्सपोर्टर इज हैप्पी बट ओवरऑल बिजनेस पर्सन के तौर पे एक्सपोर्ट्स के क्या हालात नहीं आजकल तो आपको पता है बिजनेस वैसे ही डिक्लाइन पे ही है जी, जी. और जो हमारे जो लोकल है वो तो लोगों की वो है ही नहीं है या परचेजिंग पावर ही नहीं है कि वो कर सके और जो एक्सपोर्ट है वो तो तब भी हो सकती है कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के फैसिलिटीज हमें गवर्नमेंट दे और इसमें टैक्सेस कम हो तो तभी एक्सपोर्ट का होगी क्योंकि एज कंपेयर टू बांग्लादेश हमारा ही एक हिस्सा था पाकिस्तान को कि उन्होंने अपनी होम इंडस्ट्री लगा होम इंडस्ट्री लगा के उनकी काफी प्रोग्रेस उन्होंने दिखाई और इस तरह और इंडिया जो है हालांकि हमारा जो फैब्रिक है वो बहुत बहुत बेहतर बहुत फाइन क्वालिटी का मगर जो डिजाइनिंग में है वो इंडिया जरा है मगर उनका जो है फैब्रिक है वो नहीं है मगर जो है चाइना ने भी तभी तरक्की की कि अपने बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ दिया जब तक गवर्नमेंट हमें रिलीफ देगी तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं एक्सपोर्ट क्या ऐसे कोई प्रपोजल्स जो हैं वो मूव फॉरवर्ड किए गए हैं बिकॉज़ एट द डे एंड LCCI इज अ प्लेटफॉर्म व्हिच इज अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेस कम्युनिटी सो इस ब्रिज के थ्रू क्या ऐसी कम्युनिकेशन की गई है कि इस मौजूदा हालात सूरत हाल जिसमें 150 तक का डॉलर टच कर गया है और इस सिनेरियो के बाद हम कहाँ देखते हैं कि कम्युनिकेशन और लूपहोल्स कहाँ पे हैं जहाँ से कोई मिडवे निकाला जा सकता है देखें अब हमारे जो मौजूदा प्रेसिडेंट साहब हैं इन्होंने भी अभी अपनी प्रपोजल्स दी हैं SVP साहब VP साहब ने भी
इनको प्राइम मिनिस्टर साहब को प्रपोजल्स बना के दी हैं कि जो जो ताजर कम्युनिटी है ये एक ब्रिज का रोल तो प्ले कर सकती है अगर वो हमारी जो डिमांड्स हैं और जो फैसिलिटी हम ताजरों को गवर्नमेंट देना चाह रही है और फैसिलिटेट करें तो तभी ये हो सकता है तो मगर गवर्नमेंट बीच में अपने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके वो जो डिमांड्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पहले ज्यादा मद्देनजर रखती है जब तक ताजर कम्युनिटी को ये रिलीफ नहीं देंगे उतनी देर तक जो है ना हम बिजनेस कम्युनिटी जो है ना खुशहाल नहीं हो सकती सक्सेसफुल नहीं हो सकते इंशाल्लाह वी डू होप के कोई ऐसा जो है म्यूचुअल रास्ता निकला जा सके कि पाकिस्तान की सस्टेनेबिलिटी के लिए इसकी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए जो इकोनॉमिकल सिनेरियोज हैं उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए बेस्ट वे आउट निकाला जा सके एक बिजनेस कम्युनिटी और गवर्नमेंट के दरमियान कोई ऐसा मुआहदा तय पाए लेट्स होप फॉर द बेटर और यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा वेलकम बैक और ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कस कर रहे हैं हम बड़े इम्पोर्टेंट सिनेरियोज ऑब्वियसली कि बिजनेस कम्युनिटी की सस्टेनेबिलिटी के लिए कौन से ऐसे अमल हैं जिन पे गवर्नमेंट और बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ सकती है ताकि मुल्क की इकोनॉमी को एटलीस्ट थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश की जाए जो ग्राफ बहुत डाउन आया हुआ है उस ग्राफ को अगर हम बहुत अपनी ले जा सकते हैं तो एटलीस्ट उसको स्टेबल कर सकें उसकी स्टेबिलिटी के लिए क्या वे आउट्स हो सकते हैं हमारे पास हमेशा मेहमान मौजूद आते हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड होते हैं और डिफरेंट फोरम्स पे डिफरेंट बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आज हमारे साथ अर्शद खान साहब इसी मेंबर एलसीसीआई के और बड़ा डिस्टिंक्टिव काम भी कर रहे हैं बट अभी थोड़ी देर पहले मेरे इल्म में आया कि यूरोपियन यूनियन को देख रहे हैं कमेटी एलसीसीआई के लिए बट अभी तक कीपिंग द करंट सिनेरियो इन द माइंड ही कैन डू एनीथिंग बिकॉज हालात ऐसे हैं और प्राइसेस की इन्फ्लेशन इतनी है कि अब जिस टाइम पे प्लान करते हैं और जिस टाइम पे आपका एग्जीक्यूशन टाइम होता है उस टाइम से टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ही प्राइसेस का चेंज इतना आ रहा है कि बिजनेसमैन भी डर के बैठा है कि हमने किस तरह से इस इंडस्ट्री को लेकर चलना है सर बिजनेस कम्युनिटी फ्यूचर अगर हम ज्यादा नहीं तो ये 2-3 ईयर्स में देखें तो कौन से बेसिक दो पॉइंट्स हैं या दो चार चीजें हैं जिनको अगर हम कमिट कर लें तो हम उस पे ओवरकम कर सकते हैं या एटलीस्ट स्मूथ बिजनेस की तरफ जा सकते हैं वापस बिकॉज इंडस्ट्री आज से 2-4 साल पहले बहुत अच्छे सिचुएशन में थी एटलीस्ट इस क्राइसिस में नहीं थी हाँ जी ये आप सही फरमा रही हैं मगर ये है कि कोई गवर्नमेंट को तो यही चाहिए एक तो आसान एक साथ पे लोन्स दी न्यू जो इंडस्ट्री है लोग उसमें आए स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री वहां पे जब होगा घर घर इंडस्ट्री लगेगी जैसे आज से 30-40 साल पहले सियालकोट वजीराबाद हाफजाबाद इस तरह ये लगी थी घर घर लगी हुई थी तो उस तरह मतलब हो और वो लोग जो काम करते थे वो घर में भी 1-2-3 कमरों में कोई छोटी छोटी चीजें जैसे कटलरी या मैनुफैक्चरिंग वो करते थे इवन के सियालकोट जो है वो हब है इसका स्पोर्ट्स का वहाँ ग्लव्स बनते हैं सर्जिकल का बनता है और इस तरह काफ़ी बॉल्स वगैरह काफ़ी चीज़ें इसमें हैं तो इसी तरह ये है कि गवर्नमेंट जो है कि वो 5 साल के लिए उस पर नो टैक्स कोई ना दे लैंड दे और स्मॉल उस पर लोन्स दे तो तभी मतलब जो है ना फिर एक छोटा ताजर तभी वो उभर के सामने आएगा तो तभी हम कम्पीट कर सकेंगे सर अभी इस सिनेरियो में बिकॉज आप प्रेसिडेंट भी हैं अंजुमन ताजरा अराकली सो इस मार्केट को अराकली लाहौर की पंजाब की एक बड़ी मार्केट्स में आती है जो कि एक बल्क मार्केट या होलसेल मार्केट के तौर पे मेजॉरिटी में जानी जाती है तो आप उसके प्रेसिडेंट हैं पिछले 12 साल से माशाल्लाह तो आप इतनी कंसिस्टेंसी से प्रेसिडेंसी को देख रहे हैं और उतनी ही कंसिस्टेंसी से डेफिनेटली आप जो इश्यूज आते हैं जो हालात आ रहे हैं जब मुल्क की थोड़ी बेहतरी चल रही है और अब
जब थोड़ा क्राइसिस चल रहा है, तो इस सिनेरियो को आप किस नजर से देखते हैं? देखें जी, पिछले जो पिछली लास्ट गवर्नमेंट का भी टेन्योर था 5 साल का, अभी तो इनको 8-9 महीने हुए हैं और इनकी कुछ स्ट्रेटेजी कुछ समझ अभी नहीं आ रही कि जी इनका क्या करना क्या है, क्योंकि जो अभी तो लोग जो है ना वैसे पिस गए हैं और वो अपना जो कैपिटल है वो ही खा रहे हैं। और इवन कि ये होता था आजकल जैसे है, मतलब ईद इवेंट है, ये मुसलमानों का सबसे बड़ा वो है, और अभी भी उस पर आजकल काफी स्लंप है, क्राइसिस है। जो होता था कि जो बंदा 3-4 मतलब चीजें जोड़े परचेज करता था उसमें वो नहीं है। एग्जैक्टली सर, जोड़े परचेज करना तो अभी सेकेंडरी चीज है, जो कि नेसेसिटी भी है, हर घर में चाहिए भी। ऐसे ही रमजान बाजार के हालात ऐसे हैं कि एक दो दिन पहले एक दो दोस्त हजरात बैठे तो वो जिक्र चल रहा था कि रमजान बाजार में एक फ्रूट 300 से 400 की रेंज में आ रहा है रमजान बाजार के अंदर। तो सर, जब लोगों ने इफ्तार के लिए अपने एहतमाम के लिए लेके जानी है चीजें, तो वो तो इस हालत में नहीं कि आप 2000 का फ्रूट लेके जाएं और एक फ्रूट सैलड बनाएं या एक फ्रूट चाट बनाएं। तो ये हालात है मार्केट में। और ये बदकिस्मती से ये देखें, हमारा जो मुसलमानों का है कि ये सबसे बड़ा त्यौहार भी होता है और रोजों का है। इवन के मैं देख रहा था कि जो इस पे जो बाहर के ये है यूरोपियन कंट्रीज जो है डिस्काउंट बनाया हुआ है और उन्होंने वो रिलीफ दे रहे हैं। हालांकि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि झूठ नहीं बोलना और इस तरह नहीं करना, कम नहीं तोलना, वो हमारे मुसलमानों ने ये पाकिस्तान में हो रहा है और जो वेस्टर्न कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज हैं और उन्होंने वो देखे हैं, फेवर्स दे रहे हैं और वो ओब्लाइज कर रहे हैं कि जी माहे रमजान है तो इस ये एक बरकत का महीना है, तो ये आपके लिए प्रिविलेज्ड कॉन्सेप्ट है। मैं भी अपनी बिजनेस कम्युनिटी को यही कहूंगा कि खुदारा कि ये जो महीना है इसमें बड़ी बरकतों वाला महीना है, और चाहिए ही नहीं कि जी बल्कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का एक बाजू बने और उनको रिलीफ दे और प्राइसेस वगैरह खुदारा ये जखीरा अंदोजी मत करें और इस चीजें से इस्तराफ करें। बिल्कुल ऐसा ही है। अरशद खान साहब हमारे आज के मेहमान, और बड़ी इंफॉर्मेटिव सी गुफ्तगू और बहुत से पहलुओं को हमने टच करने की कोशिश की कि ओवरऑल इकोनॉमी के हालात क्या हैं और हम किस तरह से कूप अप कर सकते हैं, और जो सबसे अहम बात कि खुदारा रमजान में जहीरा अंदोजी मत कीजिए और प्राइसेस अगर डिस्काउंट नहीं तो एटलीस्ट स्टेबल प्राइसेस दे सकिए ताकि लोगों की दस्तरस में हो हर वो चीज जो लोग रमजान के लिए अपना एहतमाम करना चाहते हैं, जो लोग अपने घरों पे अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जाना चाहते हैं। काइंडली कुछ नहीं तो इतना बिजनेस कम्युनिटी जरूर फेवर कर दे, और जो हमारे ताजर और हमारे जितने भी मार्केट के लोग हैं कि काइंडली अपनी प्राइसेस को इतना स्टेबल रखें कि लोग उसको असेस कर सकें, कीपिंग इन द माइंड के जो करंट सिनेरियोस हैं। और एट द डे एंड साल का सबसे बड़ा त्यौहार भी होता है, ईद है, तो आप लोगों में अपना पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशन ये करिए कि एटलीस्ट डू ट्राई कि आप एक ऐसे शख्स हो सके जो लोगों को हेल्प कर सके इन वन वे और अदर। और इससे बड़ी हेल्प कोई नहीं हो सकती कि अगर आप सिर्फ अपनी प्राइसेस को कंट्रोल करके कंट्रोल प्राइस पे लोगों के लिए चीजें मुहैया कर सके। अरशद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और बड़ी हमारे साथ कंसोलिडेटेड गुफ्तगू की, बट एट द सेम टाइम वक्त की कमी की वजह से हमें इस प्रोग्राम को खत्म करना होता है, बट आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़।